रामपुर के मोहल्ला अस्तबल पर आज समाजवादी पार्टी की ओर से एक जनसभा का आयोजन किया गया। यह जनसभा आजम खान की प्रत्याशी पत्नी ताजीन फातिमा के लिए की गई थी, जिसमें आजम खान ने अपनी पत्नी तंजीम फातिमा के लिए लोगों से वोट की अपील की और साथ ही साथ आजम खान मोदी और योगी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि 25,000 होमगार्ड को नौकरी से निकाल दिया गया, यह कहकर कि उनके पास उनको देने के लिए पैसे नहीं है। इस दौरान आजम खान को सुनने के लिए काफी तादाद में लोग जमा थे। रामपुर के मौजूदा सपा सांसद आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा रामपुर नगर की 37 विधानसभा से प्रत्याशी पद की उम्मीदवार है और आजम खान अपनी पत्नी को जीत दिलाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। जी हां, आज एक जनसभा के दौरान आजम खान ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार होता है, इसको हासिल करने वाले ने कहा आज इस नोबेल पुरस्कार की क्या खुशी करूं, मेरा मुल्क बर्बाद हुए जा रहा है। आजम खान ने अपने तल्ख अंदाज में कहा मोदी जी बचाओ, योगी जी बचाओ, 25,000 होमगार्ड अपने निकाल दिए, यह कहकर कि आपने उनके पास उनको देने के लिए तनख्वाह नहीं है। आजम खान ने कहा कि मुझे कुछ जानकारी और भी मिली है कि 15,000 होमगार्ड अभी और भी निकाले जाएंगे। अभी वक्त है, देखो मुल्क का क्या हाल हो जाता है, महंगाई, लूट, बेईमानी, सरकारी दफातर का जो आलम है वो जानते हो, जिन बाजारों से पैदल गुजरना मुश्किल था आज मोटरसाइकिलें दौड़ाते हुए चलो, क्योंकि दुकानों में सामान तो है, सामान खरीदने वाले ग्राहक नहीं है। मुल्क को चलाने वाले बैंक खाली हो गए, मुल्क बड़ी बर्बादी की तरफ जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार होता है, उसको हासिल करने वाले ने कहा कि आज इस नोबेल पुरस्कार की खुशी का क्या जिक्र करूं, मेरा तो मुल्क ही बर्बाद हुआ जाता है। वह ऐसी आर्थिक मंदी है कि पता नहीं अगला साल कैसा साल होगा। मोदी जी बचाओ, योगी जी बचाओ, 25,000 होमगार्ड आपने निकाल दिए, ये कहकर के आपके पास उन्हें देने के लिए तनख्वाहें नहीं, 25,000। और मैंने सुना है कि 15,000 और निकलने वाले हैं। लोगों को रोजगार देना चाहिए, नौकरी देना चाहिए, काम देना चाहिए, बजाय इसके कि लोगों को रोजगार मिले, नौकरी मिले, काम मिले, आपने मासूमों के मुंह से उनके सूखे हुए रोटी के टुकड़े को भी छीन लिया। मोदी जी देख सको तो देखो, इलेक्शन कमीशन, अरे आंखें खोलो, हम आपको आपके संवैधानिक पद का वास्ता देते हैं, आंखें खोलो, रामपुर के गरीब लोग अपने वोट का अधिकार मांगने के लिए आज यहाँ जमा हुए हैं, उन्हें जिंदगी दे दो, मौत का जहर मत पिलाओ उन्हें, क्योंकि आज ये मरेंगे। क्या कहेगा इतिहास, एक शख्स से नफरत में ये भी भूल गए कि उत्तर प्रदेश की सियासत की गद्दी पर बैठे हुए महान आपकी गेरवा कपड़ों से सवाल करेगी दुनिया, इसकी पवित्रता को बदनाम मत करो। जिस पीठ से आपका रिश्ता है, गोरखनाथ की पीठ को बदनाम मत करो। आप ये मुसलमान कहता है आपसे, हमने बकरियां चुरा ली, हम मुर्गी चोर, हमने पेड़ चुराए हैं, दुनिया क्या याद करेगी। दोस्तों, ना मैं रहूंगा, न स्टेज पर बैठे हुए कोई साहब रहेंगे, ना तुम रहोगे, लेकिन तुम्हारी औलादे जब ये तारीफ पढ़ेंगी तो तारीख के पन्नों पर उनके आंसू खून में बह सकते हैं, और वो पूछेंगे तुमसे
वो तुम्हारी कब्रों से सवाल करेंगे, तुम्हारे मकानों में जो तुम्हारी तस्वीरें लगी होंगी उनसे पूछेंगे, दादा ये तुमने क्या कर दिया था, नाना ये कैसा दौर था, एक फकीर के साथ जिसे कभी कीमती लिबास में नहीं देखा होगा, जिसे सड़कों पर इतराते चलते नहीं देखा होगा, जिसे किसी होटल में खाना खाते नहीं देखा होगा, एक साहब अगर इस मजमे में इस बात के गवाह हो कि किसी होटल किसी चौराहा कहीं जूस पीता हुआ कहीं छोले खाता हुआ अगर मुझे देखा हो, खुदा की वास्ते आओ मेरे मुंह पर थूक दो और कहो कि तू झूठ रहा है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।